एक बार खाओगे तो बार बार चाहोगे। स्वाद और शुद्धता का दूसरा नाम रोहित की रसोई मसाले। सब्जी मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, शाही पनीर मसाला सहित बहुत कुछ। बंसीधर नगर से चुनमुन की रिपोर्ट। शहर में आभूषण दुकानदारों को चकमा देकर जेवर चोरी करने की सिलसिला लंबे समय से जारी है। इसी कड़ी में बंसीधर नगर के कनक ज्वेलर से दोपहर करीब 12 बजे दो चोरों ने करीब 3.5 लाख रुपए का सोने का जेवर चकमा देकर चोरी कर फरार हो गया। चकमा ऐसा दिया कि दुकान से जेवर गायब होने की जानकारी दुकानदार को घटना के 2 घंटे बाद हुई। भुक्तभोगी मदन प्रसाद द्वारा तत्काल इसकी सूचना थाना पुलिस को दिया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लिया। जेवर दुकानदार मदन प्रसाद के आवेदन पर पुलिस ने 2 अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। इस संबंध में जेवर दुकानदार मदन प्रसाद ने बताया कि करीब 11:30 बजे दो लोग दुकान में आए और सोने का टॉप लेने की बात कह दिखाने को बोले। 11:30 से 12:30 बजे के बीच में 2 आदमी आए, जिसमें एक मोटा गोरे रंग का गोला चेहरा बोला कि हमको टप चाहिए और दिखाने लगे। और इसी पीरियड में 2 चीज़ पसंद किया, कील और टप, 6,500 रुपया देकर, और बोला कि हम बैंक जाकर 2 लाख रुपया निकालना है और आते हैं तो सब पैसा पेमेंट देकर सामान ले जाएंगे। और उसके जाने के बाद जब वो 1.5 घंटा के बाद जब नहीं आया तो हमको संदेह हुआ, तो हम अपना सामान मिलाने लगे तो करीब 100 ग्राम सोना का सामान गायब था, टप फुल ओवर। कब की घटना है? 11:30 से 12:30 के बीच कल। आपका नाम है? आपका नाम मदन प्रसाद। कितना के लागत से चोरी हुई है? लगभग 3.5-4 लाख। सोने का लगा कुछ था या सिर्फ? केवल सिर्फ सोना का सामान था, कान का टप था, फूल था और जेवर था, कान का जेवर था। शक क्या, जो चोरी लेकर गया, जो चोरी कर जो आया था वही चोरी किया है। हाँ, थाना में भी लिख कर दे दिए हैं, जांच चल रहा है, जांच करवाई दिए, बोला आश्वासन दिया है कि जांच कर रहे हैं।